नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भक्तों पर दया लुटाने के, तकलीफों में आराम दिलाने के, सही जगह धन को खर्च करवाकर आने वाले बड़े संकट से बचाने के नित नए आसान तरीके खोजने वाले, नाम रूपी मणि अंतर में प्रकट करवाने वाले दया के सागर उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया कि आप अपने खेती दुकान दफ्तर का काम गुरु महाराज के ऊपर छोड़ करके, गुरु पर विश्वास करके, श्रद्धा भाव से आश्रम आए हो कि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप आगे भी पूर्णिमा और मासिक भंडारा कार्यक्रम पर बावल उज्जैन समेत गुरु महाराज के आश्रमों पर आने की आदत बनाए रखो। आने जाने में लगे खर्चे, मेहनत, सेवा से आपके कर्म कटेंगे, प्रभु गुरु याद आएंगे। छोटी चीजें तो बहुत जगह मिल जाती हैं, लेकिन बड़ी चीज पाना चाहो तो बड़ी जगह पर ही मिलेंगी। रोज सुमिरन ध्यान भजन करो। अच्छे की अच्छे की आदत डालना चाहिए तो आपकी जो आदत बन गई है त्रयोदशी और पूर्णिमा के दिन आश्रम पर आने का, बराबर ये आदत बनाए रखो। इसमें गुरु याद आते हैं, हाथ पैर आँख कान इस शरीर से जो सेवा हो जाती है, आने की जाने की जो भी भाड़ा किराया तेल पानी अपनी गाड़ी में खर्चा हो जाता है, बिजनेस व्यापार के लिए, बच्चों के सुख सुविधा के लिए जो आपने गाड़ी घोड़ा खरीदा है, दिन रात उन्हीं की सेवा में उसी में लगाए रहते हो, तो थोड़े समय के लिए ये जो गाड़ियों में बैठ करके यहाँ पर आते हो, वो गाड़ी की भी सेवा, तेल की भी सेवा, ये सब हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि इधर उधर से जो कर्म आ जाते हैं वो कटते हैं, इधर उधर से धन आ गया क्योंकि लोभ लालच माया का आदमी का बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और कब माया अपना जाल फैला दे, कब माया अपना प्रभाव जता दे और आदमी की नियत खराब हो जाए, तो वो धन जो आ जाता है इधर उधर से वो सब इसमें खर्चा हो जाता है। तो कर्म भी करते हैं, जब कर्म करते हैं तो गुरु याद आते हैं, प्रभु याद आते हैं।